हेलो क्लास, वेलकम बैक। वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लास। सो किड्स, क्या करना है हमें? पेरीमीटर के कुछ क्वेश्चंस करने, राइट? पेरीमीटर के कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक होगा पेरीमीटर, राइट? टॉपिक फॉर द डे इज पेरीमीटर। एंड व्हाट वी हैव टू डू टुडे इन पेरीमीटर, डेट फॉर द वीडियो, लेट मी राइट द डेट ऑल्सो। डेट फॉर द वीडियो इज 10/11/21, this is the date for the video, and class is maths 5. Okay, now perimeter, आज का जो topic है वो है perimeter. Perimeter में हमने क्या करना है? देख, perimeter हमने last class में देखा कि what is perimeter? Perimeter is the sum of all the sides of a given figure. अगर यहाँ पे मैं सबसे पहला question लेती, चलो मैं आज एक question ही करके दिखाती हूँ आपको. The first question is, find the perimeter of a rectangle. Find the perimeter of a rectangle of a rectangle whose length is 115 centimeter and breadth is 85 centimeter. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने ले लिया, ठीक है? तो क्योंकि ये एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, तो हम इसे किससे कैसे करेंगे? इसे हम करेंगे पूरे स्टेटमेंट के साथ. Solution. Let us do. First, we will write length of rectangle equals to length of rectangle equals to next क्या चाहिए हमें? Breadth चाहिए, right? Breadth of rectangle equals to length of rectangle equals to and then next will be the breadth. Now the length is 115 centimeter, breadth is 85 centimeter. Now perimeter. Perimeter of rectangle equals to what we will write? 2 into L plus B. Perimeter kya hoga rectangle ka? 2 into L plus B. Okay. 2 multiply 115 plus 85. 2 into, चलो बताओ कितना आएगा? When you will add 115 and 85, what you will get?
सेंटीमीटर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 400 सेंटीमीटर. ओके, सो हियर वी हैव डन दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ अभी अब करना है हमें एक क्वेश्चन और करते हैं पेरीमीटर पे ही बेस्ड. ठीक है, वो थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन होगा. लेट्स डू. ओके, नाउ क्लास पेरीमीटर के बाद चलो एक क्वेश्चन स्क्वायर का कर लेते हैं, उसके बाद कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट. सो आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड. ओके, नाउ लेट अस डू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर टू हियर. क्वेश्चन नंबर टू इज फाइंड पेरीमीटर. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. Find the perimeter of a square. Find the perimeter of a square whose sides measure 12 centimeters. क्या करना है? देखो स्क्वायर की बात हो रही है, अगर हमें पता है कि स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब इफ इट इज 12 सेंटीमीटर देन सारे साइड ईच एंड एवरी साइड विल बी ऑफ 12 सेंटीमीटर. दिस इज दिस विल बी 12 सेंटीमीटर. दिस आल्सो एंड दिस आल्सो, ये सारे क्या हो गए? 12 सेंटीमीटर हो गए हैं. Now, solution side of a square equals to 12 centimeter. Perimeter of a square equals to 4 into 12 है ना, 4 into side, 4 into side, 4 into 12 centimeter, 12 4 is 36 centimeter, 48 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. इस तरह से हमने क्या किया, स्क्वायर का भी पेरीमीटर हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया. राइट, ओके. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू दैट आफ्टर दिस आई एम वी विल बी डूइंग अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस, यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन योर रफ कॉपी ऑल्सो. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू
टू इरेज द बोर्ड एंड नेक्स्ट वी विल बी डूइंग अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ओके नाउ मूविंग टू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस विल बी दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. द पेरीमीटर क्वेश्चन नंबर 3. The perimeter of a rectangle is 64 cm. ठीक है, 64 cm क्या था? Perimeter था rectangle का. And its length is and its length is the perimeter of a rectangle is 64 cm and the length is 18 cm. Find its breadth. Find its breadth. क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन समझो. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का, इफ हियर इज अ रेक्टेंगल, अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करें तो इस रेक्टेंगल का आपको क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का आपको दे दिया है. पेरीमीटर पूरा आपको इस रेक्टेंगल का दे दिया है. और क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है और इसकी लेंथ हमें दे दी है. लेंथ हमें दे दी है 18 cm. मान हमें पता है 18 cm हमें पता है. ठीक है, हमें ब्रेथ नहीं पता. हमें क्या पता करनी है? इसकी ब्रेथ पता करनी है. ठीक है, लेंथ दिया है, हमें क्या पता करनी है? इसकी ब्रेथ पता करनी. तो कैसे करेंगे? लेट अस डू. So, अगर हम ब्रेथ की बात करें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दे दिया है क्वेश्चन में. कितना दिया है पेरीमीटर? 64. देखो 64 cm पेरीमीटर इज गिवन हियर. नेक्स्ट इज वो 64 cm पेरीमीटर दिया हुआ है. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट इज लेंथ दिया हुआ है. लेंथ इसकी दी है. ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको दी हुई है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दिया हुआ है? 18 cm. अच्छा देखो, पेरीमीटर 64 cm हमें पता है. हमें ये भी पता है कि 2 into L plus B is equal to 64. हम कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? 2 into L plus B क्या है? पेरीमीटर का फॉर्मूला है. पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, हमें लेंथ भी दी हुई है. 2 into length कितनी दी हुई है? 18 plus B equals to 64. राइट, दिस मच इज क्लियर है ना? दिस मच इज क्लियर टू यू? ओके, नाउ सी क्लास, यहां पे ये 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई. व्हाट वी विल डू? हम इसको इधर भेज के बोर्ड हम क्या करेंगे? वी विल डिवाइड. तो यहाँ पे क्या बचेगा? 18 plus B, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है. वी विल सेंड दैट साइड. व्हाट वी विल गेट? 64 divided by 2. हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? आई एम गोइंग टू डू सॉल्व क्वेश्चन हियर. वी विल गेट 32. हमें मिलेगा 18 plus B equals to 32. दिस वी विल गेट. राइट है कि नहीं? हमें तो ये मिलेगा.
आप ये मिलेगा, तो 18 में b कितना प्लस करेंगे 32 आए, तो हम क्या करेंगे ये निकालने के लिए, b इक्वल्स टू 32 माइनस 18, व्हाट वी विल गेट, व्हाट वी विल गेट, विल गेट 15. सो द ब्रेथ फॉर द गिवन क्वेश्चन इज 15. ओके नाउ फिर से समझने का लिए क्वेश्चन कर लो, फिर हम समझेंगे. वन मोर टाइम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. नीचे लिखा था ना, तो नीचे इतना समझ में नहीं आया होगा. तो क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू कितना बना 64, राइट, वी हैव गॉट 64. अब 2 यहीं पे रहा, हमारे पास क्वेश्चन में लेंथ भी गिवन, लेंथ इज 18 एंड फिर ब्रेथ हमें नहीं है, ब्रेथ भी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है. नाउ क्लास अभी ध्यान दो, यहाँ पे ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, हम उधर भी इसकी क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे. जब ये 2 उस साइड चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा, हियर वी विल लेफ्ट विथ ओनली, क्या बचेगा हमारे पास जब ये 2 उधर चला जाएगा, 18 प्लस बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 प्लस बी इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाय 2. What you will get when you will divide 64 and 2? Dividing 64 and 2, what you will get? 32. 18 plus b is equals to 32. अभी तुम खुद बताओ 18 में ऐसा क्या प्लस करोगी कि you will get 32? 18 में क्या प्लस करोगी कि you will get 32? Earlier I have written 15, na? No, 15 is not the right answer. 14 is the right answer. B equals to 32 minus 18. Abhi minus from 32 and 18 ko. Yahan pe maine 15 likha tha. Answer should be 14, hai na? What we will get here? 40. Hamara answer kya hoga is question ka? We will get 40. 14 centimeter will be the breadth. Okay. Now class here we have completed the perimeter. Next video जो हम start करेंगे उसमें हम क्या start करेंगे, we will start the area. बचे हुए book के question जो आपके हैं वो मैं आपको class में कराऊंगी, video में नहीं कराऊंगी. Okay class, so next topic that we have to start is area and that we will be starting from the next video. So till then take a very good care of yourself. Bye bye.